मैं नेशनल चैनल की तरफ से अपना प्रोग्राम फन और फनकार लेकर आपको खुशामदीद कहता हूँ। फन एक ऐसा ही रियासत का नाम है जो भी फनकार इससे गुजरता है बहुत से मरहलों से गुजरता है, चाहे वो गुलुकार हो, चाहे मसव्वर हो, चाहे और भी किसी असराफ में हो, उसको बड़ी कठिन मंजिलों से गुजरना पड़ता है। जब वो आसमान की तरफ देखता है पहले जीने पे अपना पाँव रख कर, तो आसमान की तरफ देखता है तो उसे बहुत से जीने नज़र आते हैं जो फ़न की मंजिलें हैं, फ़न की रास्ते हैं। इन रास्तों पे बहुत ज़्यादा कठिन और खारदार तारे हैं, आनी सिलाखें हैं जिनसे गुजरकर इंसान फनकार बनता है। ऐसे ही हमारे साथ एक गुलुकार हैं जो गज़ल गो हैं, उनका नाम है मुनीर शहज़ाद। आज वो हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आइए हम उनसे मिलते हैं। मुनीर शहज़ाद साहब, आप हमारे चैनल में आए, हम आपके बड़े मशहूर हैं, आपने बहुत वक्त निकाला और हमारे पास पहुँचे, ये आपका बड़ा पल है, मैं तहे दिल से आपका मान लूँ। बहुत शुक्रिया मंजूर आई भाई। असल में ना मैं आपका और आपके पूरे चैनल का, सब इंतज़ामिया का बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी। तो यकीन करें ये एक ख्वाब होता है हम फनकारों का कि हम जो काम करते हैं वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ही लोगों के सामने आना चाहिए कि हम क्या करते हैं। तो मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। बाकी जो भी मेरी खिदमात होंगी, मैंने जो काम किया है वो आप देख लेंगे। और बहुत मेहरबानी। बात यह है कि मौसीकी के मैंने हवा को बांधना है, उस्ताज़ा लोग कहते हैं, हवा को बांधना एक मौजज़े से कम नहीं, और फनकार हमेशा मौजज़े करता है, ये उसकी अता है। जी हाँ बिल्कुल। और इससे ज़्यादा फनकार के पास कुछ नहीं, दादे तसीन और अपनी तस्कीन जिसको लोग कहते हैं अप्रिशिएट करना, फनकार के पास ये बहुत बड़ी दौलत होती है। जी अब आपने बताया हमें ये कब से आपने गाना शुरू किया। राजीव भाई मैं ना बचपन में, क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो आर्मी में थे, तो मेरी पैदाइश क्वेटा में हुई। तो क्योंकि मेरे वालिद चर्च में मतलब खिदमात अंजाम देते थे क्वायर के हवाले से, तो घर में मौसीकी तो थी हमारे, लेकिन यह है कि बस ये समझ लें कि उनके बाद, क्योंकि मैं उनका अकेला बेटा था, तो मुझे भी शौक़ हो गया कि मैं गाऊं मौसीकी के हवाले से इन। और इतफ़ाक़ है कि आर्मी में ऐसे होता है कि हम क्वेटा से पेशावर चले गए, उनकी ट्रांसफ़र होगी मेरे वालिद की, और वहाँ से फिर जब ये 65 की जंग हुई है, 1965 की, तो उसके बाद वहाँ से फिर हमारी ट्रांसफ़र हुई है सियालकोट में। तो मैं सियालकोट में आया हूँ तो वहाँ पे ना मुझे मिल गए परवेज़ बज़मी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम और वो तकरीबन एक ही जगह पे कैंट में रहा करते थे। परवेज़ बज़मी साहब भी गाने का शौक़ रखते थे, और वो कुछ ना रिदम के हवाले से, हाँ मौसीकी से भी बड़े बड़े बड़ा उनको मतलब गहरा लगाव था, जानते भी थे। वो भी जवान थे और ज़ाहिर है मैं भी उस वक्त छोटा था, तो हम दोनों की बड़ी अच्छी दोस्ती होगी परवेज़ बज़मी के साथ। तो हमने बस इसी तरह मौसीकी को अपने घर में बैठ के, कभी ढोलक पे, कभी किसी, क्योंकि हारमोनियम वगैरह हमारे पास नहीं था, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। तो बज़मी साहब ने मुझे कहा कि आर्मी के मतलब अरेंजमेंट में कुछ लाहौर से म्यूजिशियन आ रहे हैं और गुलुकार आ रहे हैं, तो आप भी गाएं। बज़मी ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, मैं तो कुछ बरज बजा भी नहीं सकता। और कुछ और उन दिनों में एक बड़ा मशहूर गाना था मोहम्मद रफ़ी साहब का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, बड़ा मशहूर हुआ, बहुत मशहूर। बज़मी साहब ने कहा कि आप ये तैयार करो, मैं आपके साथ ढोलक बजाऊँगा। तो बस म्यूजिशियन तो मेरा गाना इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मेन ये चीज़ होती है कि मुझे उन्होंने इस काबिल समझा कि मैं स्टेज पे जाऊं, और काफ़ी दुनिया थी, और मैंने उन म्यूजिशियन के साथ जब गाया तो मेरा गाना बहुत खूबसूरत हो गया। वो मेरा पहला स्टेज था सियालकोट में। आज मैं मोहतरम जनाब
परवेज़ मज़मी को खराज अकीदत पेश करता हूँ। वो बहुत गहरे दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे, दोस्त नवाज थे, जैसे कि मनीष शहजाद बता रहे हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि अब आप स्टेज पे गाएं। उनके बाद इनका ये पहला प्रोग्राम था जो आज मनीष शहजाद बन गए। जी बिल्कुल। तो अब आप ये बताएं हमें कि आपके उस्तादा में कौन साहब हैं जिनके आपने रहनुमाई हासिल की? जी राय साहब, मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद 65 के बाद कुछ 5-6 साल मैं बज़मी साहब के साथ वहाँ रहा हूँ। उसके बाद एक और जंग आ गई 71 की। तो वालिद साहब जो थे मेरे, क्योंकि वालदा मेरी डेथ हो गई थी, मुदफ़ोत हो गए, तो वालिद साहब चले गए बांग्लादेश। तो मैं वहाँ पे, क्योंकि उससे पहले एक प्रोग्राम और किया था बज़मी साहब ने मेरे साथ मिलके, तो एक उन्होंने गाना मेरे से गवाया स्टेज पे गरनाता फिल्म का। जी कौन सा? रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, मेहदी साहब का वो गाना था। तो ये दूसरा स्टेज मेरा बज़मी साहब ने करवा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गया ना लाहौर में, क्योंकि वालद मेरे वहाँ पे चले गए बांग्लादेश। तो लाहौर में आके मैं जहाँ रहता था, मेरे घर के बिल्कुल सामने मौसीकार नज़ीर अली साहब का घर था। नज़ीर अली इसहाक? नज़ीर अली और उनके बड़े भाई इसहाक साहब। उन दिनों में नज़ीर साहब का बहुत ज़्यादा काम था, और क्योंकि हमारा घर बिल्कुल बिल्कुल ही उनके सामने था, उनके उनकी ज़ाहिर एक अच्छी गुलबर्ग में घर था, हमारा तो घर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्योंकि वो गाने की वजह से ना मेरी भी कोशिश होती थी कि मैं किसी ना किसी तरह उनसे मिलूं, और जैसे भी हो उनसे कोई बात हो जाए मेरी। और वहाँ उनके घर में बहुत से फनकार भी आए। एक फनकार भी तो बैठा जी हुआ बिल्कुल, बज़मी साहब ने मुझे इस काबिल कर दिया था कि मैं ना कुछ वो करूँ। तो मैंने हम क्योंकि मुझे मेरे मेरी बहन ने कहा कि आप कुछ काम सीख लो, तो मैंने मुझे उन्होंने टेलरिंग की एक दुकान थी करीब ही जी, उसमें उन्होंने मुझे बिठा दिया। जी जी। अब रात को हम काम करते थे, तो नज़ीर साहब अक्सर नज़ीर साहब 1:30-2 बजे अपने घर आते। उन्होंने घर में थोड़ा सा रेस्ट करना और अपने कपड़े वगैरह उतार के, तो आ जाना मेरे हमारी दुकान के पास, वहाँ हमने उनको चेयर देनी, वो बैठ जाना, उन्होंने अच्छी बात करनी। तो मैंने उन्हें कहना कि उस्ताद जी मुझे ना आप अपना शागिर्द बना ले। वाह वाह वाह। मैंने 3-4 दफ़ा कहा, लेकिन वो क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं था। एक दिन उन्होंने शायद उनके दिल में मेरे लिए रहम आ गया ना, खुदा ने रहमत कर दी, ये मौजज़ा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना इसहाक अली को कहता हूँ, बड़े भाई को, तो वो आपसे बात करेंगे। और इसी तरह हुआ कि बस खुदा का करना था जी। हारमोनियम मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं जिस घर में रहता था, मुस्लिम वो आदमी था, गुलाम रसूल उसका नाम था, उसके पास हारमोनियम था। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा वो मौका था कि वो उन्होंने इसहाक साहब ने कहा कि मुझे नज़ीर ने कहा है, तो मैं सुबह आऊँगा घर। तो वो दिन ना मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा हाथ उन्होंने हारमोनियम पर रखवाया। तो फिर इस तरह मेरा उनके साथ एक ख़ास रिश्ता हो गया, रिश्ता बन गया कि मैं उनके शागिर्दों में शामिल हो गया, नज़ीर इसहाक अली साहब के। बहुत बड़ा नाम है जी। हाँ जी। फिर जैसे जैसे उनके स्टूडियो में जाना, मैंने भी चले जाना साथ। मेरी मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने मेहदी साहब की रिकॉर्डिंग देखी है, उनके गाए जो नज़ीर साहब ने म्यूज़िक दिया था, मैडम की देखी है, उसके बाद गुलाम अब्बास साहब की देखी तो है। बताए ना अभी कौन कौन से गाने सुन के? शिकंजा फिल्म थी एक पंजाबी जी, उनका मेहदी साहब के लिए गाना था, सोने हो जीन दियो जी जी, अपनियाँ बेपरवाइयाँ दे नल खून की सैदा पींदे पींदे। फिर गुलाम अब्बास का, गुलाम अब्बास से इस तरह मुलाकात हुई कि मेरे उस्ताद जी जो इसहाक अली थे, उन्होंने कहा कि मुनीर सुबह जाना है। मैंने कहा जी उस्ताद जी किधर? कहते वो कैपिटल सिनेमा, वहाँ पे ना गुलाम अब्बास की ज़रा प्रैक्टिस करवानी है। तो पहली दफ़ा मैं उनके साथ गया हूँ, तो उन्होंने भी एक पंजाबी वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई, जब तक मेरे साहब इच्छा ने प्यार मेरा ईमान रहेगा। तो इस तरह खानजादा के और दूसरे गाने मैडम के तो इतने नज़ीर साहब ने बनाए थे कि आपकी सोच होगी कि कितने। अगर आप इजाज़त दें मुझे, मैं भूल ना जाऊँ तो शायद मेरी याददाश्त काम करे, एक गाना है भुल जान जे सब गम दुनिया, जिन्हों प्यार करा
मसूद राणा साहब ने गाया था। गुनगुना दे भूल जान ये सब गम दुनिया दे जिनू प्यार करा जे ओ नाल होवे भूल जान ये सब गम दुनिया। वाह 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 वाह, ये मसूद राणा मैडम जी ने गाया है। हाँ जी हाँ जी, ऐसी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। उस पे असद बुखारी है। हाँ जी, और उधर फरदौस फरदौस है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ देखो एक और भी बात बनती है, नज़ीर अली साहब ने एक अलहदा एक अंग दिया, जैसे कि हमारे मास्टर अब्दुल्ला हैं। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि मौसीकी के असनाफ में आप बादशाह से ज़्यादा समझते हैं, एक मुजरा भी आता है जो अब्दुल्ला साहब कर गए वो और किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। और नज़ीर अली का, नज़ीर अली के एक फिल्म सुल्तान देख लें आप, और एक आप मुझे जरा मैं गलत ना कह रूँ फिल्म आंसूदी गालबन शाहिद की। हाँ जी, उर्दू फिल्म थी ना। हाँ, वो जरा थोड़ा सा कौन सा गीत है बड़ा मशहूर, जाने जा तू जो कहे। वाह वाह, वो भी थोड़ा सा गुनगुना दे, थोड़ा सा सुना दे जरा। जाने जा तू जो कहे गाँव में गीत ने और फिर चाहिए क्या, सामने तू जो रहे जाने जा तू जो कहे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया, बहुत अच्छी दुनिया बनाई है। बिल्कुल, आपके उस्ताद थे उनको भी आज खराज अकीदत है, दुआ है हमारी। और अब ये आप जरा बताइए, ये तासर बड़ा चल रहा है, गज़ल गायक जो हमारे फनकार हैं वो पॉप को और फोक को क्यों नहीं पसंद करते, ये एक मसला जरा बता दें, ये बड़ा आड़ा सा मसला है। असल में ना कुदरत ने एक वैरायटी बनाई हुई है, हर किस्म के लोग हैं। हाँ, कुछ फोक भी सुनते हैं। नहीं, फोक तो सारे सुनते हैं जी, कोई बात, पॉप म्यूजिक को भी सुनते हैं। तो फैल साहब है, आरफ लोहार है, आरफ लोहार है, बाब अपनी रेशमा है, बस ये है ना कि देखिए इसी तरह अहमद अली बेला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, और मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं है, मतलब कुछ लोग समझते हैं जो गज़ल गायक हैं वो कहते हैं जी कि ये असल मौसीकी यही है जो हम कर रहे हैं, और पॉप वाले कहते हैं असल मौसीकी वो है जो हम कर रहे हैं। हर इंसान की अपनी अपनी, लेकिन बुरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ। हाँ जी, मौसीकी वो है जो जिंदा रहे। बिल्कुल, क्या ख्याल है। बिल्कुल, तो ऐसे ही शाही मौसीकी को जन्म देती है, क्या ये दुरुस्त है? जी जी बिल्कुल। कैसे? जैसे मैंने अब देखे ना, आप देखें कि मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर घराने से मेरा ताल्लुक बना। नहीं, आप कंपोजर हैं, आपने खुद। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो मेरा शुरू से रुझान यही था, क्योंकि मैं जब उनके साथ लाल शहबाज कलंदर गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे नज़ीर साहब की और इसहाक अली खां की कोई इज़्ज़त देखी है, मुर्शद मुर्शद करके वो कहते थे कि ये जो धमाल। हाँ मनीर भाई, माजरे से, जैसे मैंने ऊपर कहा है कि असनाफ मौसीकी में एक मुजरा है, से असनाफ धमाल कह ले आप। धमाल है बिल्कुल, तो वो नज़ीर अली साहब ही कर गया। बिल्कुल, देख लें कोई भी धमाल आप उठा के देख लें, वो उन्हीं की है। क्या बात है, बिल्कुल उन्हीं की है। और मैं जब वहाँ गया हूँ तो मैंने वहाँ से मेरा दिमाग जो है ना इस तरफ आया कि मुझे कंपोजर बनना है, और मैंने कुछ ना कुछ करना है। अच्छा, आप जब कंपोजिंग की तरफ आए, फिर मैं ना मेरा यही रुझान, तो मैंने सवाल किया आपके, अच्छा शायरी मौसीकी को जन्म देती है। हाँ जी, या मौसीकी अच्छी हो तो शायरी जन्म देती है, थोड़ा सा इस पर। नहीं, मैंने वही कहा कि शायरी पहले तो शायरी आती है ना, पहले तो शायरी आई तो फिर जन्म तो वही देती है ना, वो देखिए जन्म तो वही देती है ना, शायरी 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 जन्म देती है। क्योंकि देखिए शायरी गज़ल कलामे की माफी, मौसीकी में भी शायरी, जो मौसीकी शायरी में भी मौसीकियत है। बिल्कुल बिल्कुल, रिदम होता है तो फिर वो बनती है ना, उसका वजन होता है। हाँ, तो फिर जाए रोज आ, बिल्कुल बैलेंस आता है तो फिर वो शायरी चलती है। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो इस हवाले से ना मौसीकी जो है उसमें अगर शायरी अच्छी मिल जाती है जब, तो फिर देख लें तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें बन जाती हैं और लोग ऐसे। वो तो हम आपसे सुनेंगे। अब ये बताएं, आपने बता दिया क्वेटा में पैदा हुए, लेकिन सारी ज़िंदगी फ़न की जो मंजिलें आपने तय की लाहौर से की। जी लाहौर से, लाहौर जिंदाबाद। जी बिल्कुल, उसके अलावा मेरे और भी टीचर हैं जिनसे मैं रान मई लेता हूँ। मसलन जैसे देखे ना क्वेटा के पीटर साहब हैं, पीटर गुलाम जी जी, दाऊद खान साहब जो तबला नवाज, क्वेटा वाले, क्वेटा वाले। जब नज़ीर साहब और उनकी पूरी फैमिली यहाँ से इलामा इकबाल टाउन की तरफ शिफ्ट हो गए,
तो क्योंकि हम तो यहीं पे रहते थे, तो थोड़ा सा मुझे मसला होता था कि मैं अब क्या करूं, किन से रहनुमाई लेनी है। तो फिर मैंने पीटर साहब को अपना उस्ताद माना, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैं अभी बता दूं, ताकि ये सारा, इसके अलावा फिर मुझे पता चला कि लोधी साहब हैं एक, उन्होंने लोधी फैमिली का नाम है, घराने का लोधी साहब हैं, और वो बड़े अच्छे उस्ताद हैं, और यूनुस साहिल साहब उनके शागिर्द थे। मुझे पता चला कि यूनुस साहिल साहब ने एक अकेडमी बनाई है राजा सेंटर में ना, हाँ बड़ी देर चली, तो फिर मैं गया। आज तो बेचारे बीमार हो गए। हाँ जी, फिर मैं गया, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि साहिल साहब ने भी मेरा मेरी बड़ी रहनुमाई की, और जितने भी राग या ठाट साहिल साहब के हाथ के अभी भी लिखे हुए मेरे पास पड़े हुए हैं, और जब भी मैं कोई गज़ल या जहाँ मुझे उनकी ज़रूरत होती है, साहिल साहब भी रहनुमाई लेता हूँ, और दूसरा मैं उनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं उनसे भी। वाह वाह, आप साहिल साहब को भी अपना उस्ताद मानते हैं? बिल्कुल। साहिल साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, खुदा उनको अच्छा जिंदगी दे, बीमार है, खुदा उन्हें सेहत दे, और बड़ी लंबी उम्र उसके साथ साथ, तो बड़ा नॉलेज है उनके, बड़ा नॉलेज, बड़ा नॉलेज है, और मौसीकी के वाले से। तो अब बात यह है आवाज़ों की होनी, तमाम मौजूदात की तरह जी जी उस्ताद लोग कहते हैं, आप हंसे क्यों है? आवाजें दो किस्म की होती है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दो ये दुरुस्त है जी, बिल्कुल दो तबकात हैं, दो तबकात हैं। तो वो जरा मैं किसी से उस्ताद लोग से सुना था, एक अलवी है, अलवी और एक है, सिफली है। अलवी वही, और अलवी क्या और सिफली क्या, जरा ये वजाहत करें। सवाल आप कहेंगे जरा थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ मुश्किल है जी, और दो तबकात हैं ये, और उसमें अलवी जो है ना, ये वो आवाज़ है जो इंसान के अंदर उतरती है। नहीं नहीं अंदर से नहीं, रूम उतर जाती, रूम वही ना, मतलब उसकी रूम है, और आपको वो एक और जहां में ले जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात, ये वो उसको कहते हैं अलवी। और जो जो सोज है, सोज तरनम है, तरनम है, यही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, उसको अलवी कहेंगे। हाँ जी, तो जो जो है वो सिंपली जो है जी, उसमें ये है कि आपने गाया और लोगों को नहीं पसंद आया, मतलब उस ग्राफ दिल में नहीं, रूह में नहीं उतरी, रूह में नहीं उतरी, उसको सिफली कहेंगे। और इस पे बहुत ज्यादा मतलब बात की जा सकती है, लेकिन शायद ये फिर किसी और वक्त हम इस पे जरूर बात करेंगे। बड़ी मेहरबानी, आपने बहुत आला बात बताई है मुझे मेरी मालूमात के लिए जी। सबसे पहले मैं एक मसीही गीत आपकी खिदमत पेश करूंगा, ये होशना की किताब में से लिया गया गीत है, इसी कंपोजिशन मैंने खुद की है। तो इसके बोल हैं, खुदाया हम तेरे दर पर दुआ करने को आए हैं। मेरे साथ तबले पे संगत एंथोनी कर रहे हैं। खुदाया तेरे दर पर दुआ करने को आए, खुदाया हम तेरे दर पर दुआ करने को आए हैं, हमारे हाथ खाली हैं, नहीं कुछ साथ लाए हैं, हमारे कुछ खूबी जो तेरे सामने लाए, नहीं है हम में कुछ खूबी जो तेरे सामने लाए, तुझे मालूम है हाल जो हम अपनी बनाए हैं, हमारे कुछ साथ लाए हैं।
तेरे नजदीक आने की नहीं नकाहत ने हमारी कैसे कैसे गुल खिलाए हमारे हाथ खाली हैं नहीं कुछ साथ लाए हैं खुदाया हम तेरे दर पर दुआ करने को आए तो ये आपका बड़ी नवाजिश है कि आपने दूसरी आवाज़ों का भी बताया सिफिली का भी क्योंकि जहाँ तक मैंने थोड़ा सा अदबी मेरा मुताला अभी तो मुझे पढ़ना नहीं आता ना कि मौसीकी का पता है लेकिन इतना मैं जानता आवाज़ में राग और रागनिया एक मजामीन था तो उसमें देखने को फीमेल आवाज़ क्या है मेल आवाज़ क्या है उसमें बकरी से तशबीह दी गई है जी जी फीमेल आवाज़ को तो ये जहाँ तक थोड़े से इल्म है आप लोगों से सारा सीखा हमने। अब ये आप हमें बताएं कि आपके उस्ताद भी ने आपको उसी वक्त कह दिया था कि आप कंपोजिशन करेंगे या बाद में किया आपने अपनी मेहनत? ये तो बहुत बाद में ये शुरू इस तरह हुआ था कि जब मैं एक और शख्सियत का नाम लूँगा। जी जी आप फरमाइए। मैं जाया करता था गुलबर्ग में सेंट मेरीज चर्च में, वहाँ एक पहले तो हम उनका नाम भी नहीं जानते थे हरीश मैसी साहब। हाँ हरीश अपने भी बड़े मोहतरम हैं अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनकी भी खराजी। हरीश मैसी साहब का जिक्र ज़रूर करूँगा। जितनी चेंज खासकर मैं अपनी ज़िंदगी में कहता हूँ ग्रुप तो हमारा बहुत बड़ा उन्होंने बना लिया था लेकिन मुझे जो तब्दील किया है उनकी बातों ने और उन्होंने मुझे जब देखा कि ये गाने का बहुत शौकीन है उन्होंने मुझे कहा कि मुनीर आप चर्च की क्वायर क्यों नहीं करते। तो मुझे इस तरफ लाने वाले हरीश साहब थे और उसके बाद उन्होंने जब मैं क्वायर करता था फिर वो खुद भी बड़े अच्छे कंपोज़र भी थे। मैं अभी भी उनकी दो तीन गीत जो बहुत पसंद है मैं गाता हूँ उनके अपने घर में ना तो वो भी गाते थे और उन्होंने ना फिर जब मैंने देखा कि ये तो वही जो मेरे अंदर है वही बात वो हरीश साहब भी उसी में असल है। में लोग हरीश को ज़्यादा एक मफक्कर और इंटेलेक्चुअल के हवाले से जानते हैं लेकिन हरीश एक फनकार भी थे बड़े और अच्छा। एक बात और भी आज आपको बता दूं बहुत कम लोगों को पता है कि हरीश मैसी बास्केटबॉल के भी बहुत प्लेयर थे। अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी उनको बहुत पुराना जानता हूं। ठीक है आप नई नस्ल के लिए कोई बात करें नई नस्ल को पैगाम दें गाने के हवाले से और दोनों हवाले से आपने बात करनी है कंपोजिंग के हवाले से भी बात करनी है और गायक के हवाले से भी बात करनी है। जी जी नई नस्ल के लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सबसे पहले तो अगर वो गाना चाहते हैं तो उन्हें ये फैसला करना है कि वो क्या गाना चाहते हैं। अच्छा गज़ल गाना चाहते हैं या फोक गाना चाहते हैं या क्लासिकल गाना चाहते हैं जी फिर उसी हिसाब से वो अपनी प्रैक्टिस करें उसी हिसाब से प्रैक्टिस करें। अगर वो ये कहेंगे कि जी मैं तो क्लासिकल गाना चाहता हूँ और फिर वो फोक गाने की कोशिश करेंगे तो शायद इतना वक्त भी नहीं होता और इतनी रियाजत भी नहीं इंसान करता क्योंकि हालात हमारे ऐसे नहीं हैं कि हम दिन रात काम करें मतलब इस पर। लेकिन अगर वो नई नस्ल को यही है कि वो जो भी फैसला करें क्योंकि असल में साज तो इंसान के अंदर है अंदर ठीक है ना उसी ने फैसला करना है कि आप क्या करना चाहते हैं तो बेहतर यही है। दूसरा एक और मैं आप नई नस्ल के अलावा उन वालदैन को भी कहूँगा कि ये ज़रूरी है कि आपका बच्चा उसके अंदर कुदरत ने एक टैलेंट दिया है कुछ करना चाहता है तो उसकी ज़रूर सपोर्ट करें क्योंकि होता ये है कि अगर बच्चा कुछ करना चाहता है वालदैन पसंद नहीं करते वालदैन रोकते हैं और इस तरह ही उसका वो टैलेंट भी गया और उसकी वो सोच भी ख़त्म हो जाती है तो ये रिक्वेस्ट है वालदैन से भी और बच्चों से भी। और दूसरी बात मैंने आपसे ये कर ली थी आपके उस्ताद तो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नज़ीर अली साख साहब इसके अलावा पाकिस्तान में या बड़े सगीर में कौन कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर को आप पसंद करते हैं? पाकिस्तान में तो जी हर म्यूज़िक डायरेक्टर जो जब नज़ीर साहब अरूज पे थे तो देखे ना
वजाहत अत्रे देखें, निसार बज़मी देखें, उसके बाद सुहेन राणा को देख लें। नहीं, आप अपनी पसंद की बात करें ना, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि शायद आप कह रहे हैं कि कौन कौन से। हाँ जी, देखें मुझे ना सबसे अच्छे जो मतलब लगते हैं वो निसार बज़मी। माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, सारे अच्छे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था ना, लेकिन मैं ना निसार बज़मी साहब के मुझे बड़े दिल में लगते हैं। और बाकी पंजाबी में तो आपको पता है नज़ीर साहब हैं, और सिर्फ वजाहत अत्रे हैं, और उसके बाद अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला मास्टर अब्दुल्ला हैं जी, फिर रशीद अत्रे थे उर्दू में, बहुत ज़बरदस्त। आप क्रिश्चियन म्यूज़िक डायरेक्टर के बारे में भी कुछ अमेगा करें, जो उनसे जो आजकल कर रहे हैं या गुजर गए हैं। नहीं, जो गुजर गए हैं, रोबन साहब तो एक क्लास थे ना, उसके बाद वो एक क्लास, रोबन घोष साहब, ठीक है जी। और उसके बाद एस टी सनी थे, एक पश्तो में भी फिल्मों में देते थे, सनी ठाकुर साहब, वो हमारे स्टूडियो में प्रोग्राम कर गए। बिल्कुल, वो भी बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, और उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक और जो हमारा छोटा भाई था शाकिर सनी, शाकिर सनी वो अब नहीं है, दुनिया में नहीं, नहीं है, लेकिन उनकी कंपोजिशन भी आप सुनेंगे और कमाल, मतलब अच्छा टैलेंटेड था जी जी। लतीफ डैनियल बड़ा अच्छा लड़का था, वो भी खुदा में सो गया। तो अब ये चलो थोड़ा सा ये भी बता दें कि जब तक हम गाने की तरफ जाते हैं, हमें कोई उस्ताद नहीं मिलता, फिर हम उस रास्ते में भी ज़ाया हो जाते हैं। हमें मंजिल नहीं, उस्ताद नहीं मिलता, कोई रहनुमाई करने वाला नहीं मिलता। अभी आपने हरीश साहब की बात की, हरीश ने आपको थोड़ी सी मंजिल बता दी। बिल्कुल, जैसे आपने पेरेंट्स के हवाले से बात की कि पेरेंट्स नहीं देखते, पेरेंट्स किसी टाइम ये होता है कि कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आपने गाना नहीं है, ये दूसरा है, दूसरा हमें अच्छा नहीं समझते। आप ये गेम खेले क्रिकेट, वो तो क्रिकेट है ही नहीं है, ही नहीं है के अंदर, तो फनकार मौसीकी का बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये जरा ज्यादती हो जाती है, क्या ख्याल है मेरा? बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मेरे ख्याल में कि हमें अब तो इतने इंस्टीट्यूट हैं, जैसे आर्ट कौंसिल है, वहाँ भेजें आप, और बड़े अच्छे तरीके से लोग सिखाते आप हैं। किसी शायर हमारे, क्रिश्चियन शायर, उनके बारे में बात करें, बहुत से शायर हमारे आजकल किन को पसंद करते हैं? फ्रेज बज़मी साहब तो आपने खराज अकीदत पेश कर दिया, खुदा आपको जन्नत नसीब करे। मैंने आपको बताया कि मैं कंपोज़र क्यों बना हूँ, क्योंकि मैं नज़ीर साहब के फैमिली के साथ मेरा अटैचमेंट थी, क्यों कंपोज़र थे, तो इसलिए मैंने तो यकीन करें 15 अपने शायर हैं जिनकी कंपोजिशन मैंने की है। क्रिश्चियन, वाह वाह वाह, मुबारक हो सर, आपने बहुत काम किया। ठीक है, मैं वो सुनेंगे आपसे। बिल्कुल, मैं जी नज़ीर कैसर साहब, कमल फरोज साहब, हमीद देस, महमूद शम्स, उसके बाद जनाब एन जे मंसूब, उसके बाद गुल परवेज, आफ्ताब जावेद, ठीक है जी, उसके बाद अनवर सजाद अनवर जी जी, ठीक है जी, और सजाद बटी सजाद, सजाद बटी सजाद, मैंने बड़ी कुछ, और इसी तरह मैंने क्रिश्चियन जो गीत हैं वो भी 17 कंपोज किए हैं। आज आपसे गजल गीत भी सुनेंगे, अपने शायरों के कलाम भी सुनेंगे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे, नाज़िल कर अपना कलाम, अपना कला मुझे और मोहब्बत दे, मुझे और मोहब्बत दे, ऐ बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। बड़ा
है बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। हर गाम पे रक्षा कर मेरे आगे आगे चल, हर गाम पे रक्षा कर मेरे आगे आगे चल, मेरा हाथ पकड़ मेरे साथ रह हर पल, ऐ बाप बरकत दे, रूहे पाक बरकत दे। नाज़िल कर अपना कलाम, नाज़िल कर अपना कलाम, मुझे और मोहब्बत दे, मुझे ओ मोहब्बत दे, मुझे ओ मोहब्बत दे। जी अभी मैं अपने मुख्तलिफ शायर जो क्रिश्चियन शायर हैं उनकी दो तीन गजलें हैं, लेकिन मैं पूरी गजल नहीं गाऊंगा। तसव्वुर के साए भी ढलने लगे, तसव्वुर के साए भी ढलने लगे, ख्यालों के आंसू छलकने लगे, तसव्वुर के साए भी ढलने लगे, ख्यालों के आंसू छलकने, हालात क्यों कर बदलने लगे, ये हालात क्यों कर बदलने लगे, ख्यालों के आंसू छलकने लगे, तसव्वुर के साए भी ढलने लगे, तसव्वुर के साए भी ढलने लगे। आफ्ताब जावेद साहब की गज़ल आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। जख्मी थी उंगलियाँ, क्या लफ्ज थे जो ख्वाब में लिखती थी उंगलियाँ, हम जो गिरे तो
और फिर मैं दोबारा अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से मनीष आज़ाद साहब आपका बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया, तो आपकी बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।